मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने लिविंग रूम का छोटा सा मेकओवर, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये मेकओवर के पहले का मेरा लिविंग रूम है। पहले मैंने इसमें बहुत सारे कलर्स यूज किए थे, कोई एक कलर नहीं था कि उसकी मैंने थीम बना के अपने लिविंग रूम को सजाया हो, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे लिविंग रूम की दीवारें वाइट कलर की थी तो मैंने ढेर सारे कलर यूज किए और अच्छा भी बहुत लगता था। लेकिन बहुत दिनों से ऐसे ही ये सजा था, तो जैसे हम खुद को एक गेटअप में देखते देखते ऊब जाते हैं और अपने में कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, लंबे बाल हैं तो उन्हें छोटे कर लेते हैं, तो क्यों ना मैंने सोचा अपने घर का भी कुछ मेकओवर किया जाए। और ये मेरा पहला मेकओवर होगा मेरे लिविंग रूम का। तो मैंने इसके लिए मीशो से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी। मैंने एक येलो कलर का सोफ़ा थ्रो मीशो से मंगाया था और वाइट कलर की चादर जिसमें 5 कुशन कवर और 2 मसनत के कवर थे। तो मुझे वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत दिनों से पसंद आ रहा था। सोच ही रही थी कि अब की कुछ करूँगी तो वाइट और येलो में ही करूँगी, और मैंने किया भी और अच्छा भी बहुत निकल के आया। उसका लुक बहुत अच्छा निकल के आया। फाइनल अंत तक वीडियो देखिएगा, लास्ट तक तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मेरा कैसा रहा जो मैंने चूज़ किया है येलो और वाइट कॉम्बिनेशन। तो ये जो सोफ़ा थ्रो है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ये मुझे लगता है जहाँ तक मुझे याद है 680 रुपीज़ का रहा होगा। और बेड शीट भी बहुत महंगी नहीं थी, वो भी 500 समथिंग में थी, क्योंकि मीशो पे जब सेल चल रही थी तभी मैंने इसको लिया था। और ये देखिए मैंने इस पर सोफ़ा थ्रो लगा दिया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आती है बेड शीट की बारी। तो मुझे वाइट कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन तो वाह क्या कहने, बहुत ही अच्छा लगता है। आप एकदम थके हारे परेशान हो और आई कमरे में आई और कमरा वाइट 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 के साथ येलो, तो अपने आप ही एकदम अच्छे से शांति मिल जाती, मन को बहुत ही रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने लगा दी चादर यहाँ पे। When all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. अपनी सेंटर टेबल को डेकोरेट करने के लिए मैंने जो बेड शीट के साथ मसनत का कवर मिला था उसको एज अ रनर यूज किया है। पहले मैंने इस पर ग्रीन रनर डाला था और फिर उसके बाद उरली में मैंने वाइट कलर का एक टी लाइट होल्डर रखा है और वाइट कलर का ही फूलदान भी रखा है। और फिर मेरे एक बुद्धा जी आए थे, वो ब्लैक कलर के हैं, लेकिन ये इसके साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने बुद्धा जी को यहीं पे फिर से वापस प्लेस कर दिया। तो मेरी सेंटर टेबल कुछ अब ऐसे दिखने लग गई है। अब चलिए देखते हैं अपने रूम का फाइनल लुक, की फाइनल लुक क्या निकल के आया है।